नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के दौरान बाली में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि जिस जगह के साथ भारत का हजारों सालों से रिश्ता रहा हो, जहां सैकड़ों पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन जहां के लोगों ने अपनी परंपरा को जीवित रखा, वहां के लोग उस धरती पर आकर एक अलग ही आनंद मिलता है। पीएम मोदी ने कहा कि कई पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन आपने कभी भी अपनी परंपरा को ओझल नहीं होने दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब हम आपको यहाँ संबोधित कर रहा हूँ, तो यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर भारत के कटक में बाली यात्रा का उत्सव मनाया जा रहा है, और जो भारत और इंडोनेशिया के संबंधों का परिचायक है। और पीएम मोदी ने इंडोनेशिया के साथ भारत के संबंधों को याद करते हुए कहा कि बाली की धरती महर्षि मार्कंडेय और अगस्त्य के तप से पवित्र है, और भारत में अगर हिमालय है तो इंडोनेशिया में आगुंग है, और भारत में अगर गंगा है तो बाली में तीर्थ गंगा है। भारत में हर काम की शुरुआत श्री गणेश से करते हैं, और यहाँ श्री गणेश घर घर विराजमान है। सभी सियासी दल यूपी नगर निकाय चुनाव 2022 को लोकसभा चुनाव 2024 का सेमीफाइनल मानकर तैयारी कर रहे हैं, और इसी बीच बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा प्रमुख मायावती ने ही नगर निकाय चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों को सिंबल के साथ मैदान में उतारने का फैसला लिया है। बसपा प्रमुख मायावती ने पार्टी के पुराने और वफादार लोगों को टिकट देने में प्राथमिकता की हिदायत दी है, और इसके साथ ही आपको बता दें कि निकाय चुनाव में युवाओं को भी मौका दिया जाएगा। जिला अध्यक्ष जयपाल सिंह ने बताया है कि पार्टी ने आवेदन लेने शुरू कर दिए हैं। पार्टी हाईकमान ने पार्टी के पुराने और वफादार कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को पहले प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं, इसके बाद 50% युवाओं को भी टिकट दिए जाएंगे। बसपा के बरेली जिला अध्यक्ष जयपाल सिंह ने बताया कि चुनाव लड़ने वाले दावेदार सादा कागज पर प्रार्थना पत्र लिखकर पार्टी के मंडलीय कार्यालय पर दे रहे हैं, और इस पत्र के साथ पार्टी सदस्यता की रसीद भी फोटो स्टेट भी लगा दी। दावेदार के आवेदन को बसपा प्रमुख के पास भेजा जाएगा, और पार्टी मुख्यालय से ही दावेदारी के टिकट पर अंतिम मुहर लगेगी। और निकाय चुनाव को लेकर बसपा ने बूथ स्तर पर ही बैठकों का दौर जो है वो शुरू कर दिया है, और इसके साथ ही सदस्यता अभियान में भी तेजी आ गई है। जिला अध्यक्ष जयपाल सिंह का कहना है कि बरेली की नगर निकाय से आवेदन आने शुरू हो गए हैं, लेकिन सामाजिक और जातिगत समीकरण देखकर प्रत्याशी तय किए जाएंगे। इसके साथ ही बूथ कमेटी की रिपोर्ट से भी प्रत्याशियों की सियासी हैसियत का आकलन किया जाएगा। इसके बाद टिकट फाइनल होगा। विधानसभा चुनाव में बसपा का काफ़ी नुकसान हुआ था। बसपा की सिर्फ एक सीट बची थी, जबकि 2007 में बसपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, मगर बसपा प्रमुख मायावती ने कुछ समय पहले ही इमरान मसूद को पार्टी में शामिल कराया था। वो मुस्लिम के बीच बसपा का पैगाम लेकर जा रहे हैं। उनका दलित मुस्लिम गठबंधन पर जोर है, मगर उनके आने के बाद बसपा की मुस्लिमों में भी चर्चा बढ़ी है। आयकर विभाग ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के करीबी गणेश गुप्ता और उनकी पत्नी आभा गुप्ता के करीबन 30 ठिकानों पर छापेमारी की है। सूत्रों का दावा है कि ये छापेमारी बेमानी संपत्ति के संदर्भ में है। गणेश गुप्ता समाजवादी पार्टी के सेक्रेटरी हुआ करते थे, और जब अबू आजमी महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष थे, ये छापेमारी वहाँ हो रही है जहाँ पर अबू आजमी का ऑफिस है। ये कमल में मेंशन में है, और इसी इमारत में अबू आजमी का भी ऑफिस है, और ये छापेमारी मुंबई, वाराणसी और कानपुर, दिल्ली, कोलकाता और इसके साथ ही लखनऊ में चल रही है। आयकर विभाग ने विनायक निर्मम लिमिटेड पर भी छापेमारी की है। यह वाराणसी में मौजूद एक कंपनी है, जहां पर कथित तौर से आभा गुप्ता ने बड़ी मात्रा में बेमानी संपत्ति बनाई है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से गुजरात चुनाव में बीजेपी की रिकॉर्ड तोड़ जीत का दावा किया है। अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी और सबसे ज्यादा सीटें जीतकर बहुमत में सरकार बनाएगी। और आपको बता दें कि पीएम मोदी और सीएम भूपेंद्र पटेल का नेतृत्व विकास कार्यों को गति दे रहा है, ऐसा अमित शाह का कहना है। केंद्रीय गृह मंत्री ने आगे ये भी कहा है कि गुजरात की कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है और राज्य की अर्थव्यवस्था बड़ी है। गुजरात के दलितों, आदिवासियों और ओबीसी समुदाय के पीएम मोदी के विकास मॉडल का पालन सीएम पटेल कर रहे हैं। और इससे पहले बीते दिन ही अमित शाह ने कहा था कि बीजेपी ने गुजरात की जनता की अपेक्षाओं का पर ही खरा उतरने में कोई कमी नहीं छोड़ी है और कांग्रेस काल में गुजरात में साल में 250 दिन कर्फ्यू लगता था और वहीं बीजेपी के राज में लोग कर्फ्यू का नाम भी भूल गए। और पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कानून व्यवस्था की एक अभेद्य दीवार खड़ी करने का काम किया और इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि गुजरात में भूपेंद्र पटेल ही सीएम उम्मीदवार है। दिल्ली नगर निगम के चुनाव में बहुत ही कम समय बचा है और महज 3 हफ्ते बाद ही होना है चुनाव। और इस बीच ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ही दावेदारी का जो कहा सुनी है वो काफ़ी तेज़ होती हुई नज़र आ रही है। दोनों दलों ने कहा है कि बहुमत हासिल करने के लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, हम पूरा विश्वास है कि दिल्ली की जनता हमें पूरा बहुमत देगी और उन्हें विश्वास है कि उनकी पार्टी 250 सीटों वाली MCD में 150 से ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रहेगी। और 2 दिन पहले ही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मीडिया से कहा था कि उनकी पार्टी आगामी चुनाव में 230 सीटें जीतेगी और इसके साथ ही MCD के चुनाव 4 दिसंबर को है, नतीजे 7 दिसंबर को आएंगे। MCD में बीजेपी पिछले 15 साल से सत्ता में है और बीजेपी के नेता मनोज तिवारी पूर्वोत्तर दिल्ली में मौजूद सांसद हैं और उन्होंने दावा करते हुए बताया है कि इस बार बीजेपी 150 से ज़्यादा सीटें जीतेगी। आपको बता दें कि दिल्ली की सड़कों और मोहल्लों में जमा कचरे का मुद्दा लंबे समय से ही राजनीतिक खींचतान का विषय बना रहा है और इसी बीच ही सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने बढ़ते कचरे के साथ दिल्ली को कचरे के ढेर बना दिया है। और इस पर मनोज तिवारी ने उनके आरोपों को खंडन करते हुए कहा कि बीजेपी प्रतिकूल परिस्थितियों में कचरे के पहाड़ की ऊंचाई 65 फीट कम करने में मदद की है। यूपी के फतेहपुर में ही सतगुरु देव शक्तिपुत्र महाराज 3 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरान ही अपने पृथक गांव में 2 दिन निवास कर ग्रामीणों से गांव के विकास कार्यों को लेकर संवाद करने के साथ ग्रामवासियों के साथ एक मैरिज हॉल का उद्घाटन भी करेंगे। शक्तिपुत्र महाराज के आगमन को लेकर जिले में तैयारियां जोरों से चल रही हैं और फतेहपुर जिले की में शक्तिपुत्र महाराज के आगमन को लेकर ही भगवती मानव कल्याण संगठन के केंद्रीय प्रवक्ता रमेश चंद्र ने बताया है कि परम महंत योगी राज शक्तिपुत्र महाराज अपने केंद्रीय आश्रम शहडोल में चलकर 18 नवंबर को त्रिकुट पहुंचेंगे और 19 नवंबर की सुबह फतेहपुर जिले में उनका आगमन होगा। इस दौरान शक्तिपुत्र महाराज के आगमन को लेकर जिले की सीमा से लेकर उनके गांव भदवा तक जगह जगह भव्य स्वागत करने की रणनीति बनाई गई है। उन्होंने बताया है कि शक्तिपुत्र महाराज के शिष्यों की संख्या पर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उनके काफिले में 400 गाड़ियों के साथ 5000 लोगों के आने की संभावना है। भगवती मानव कल्याण संगठन एवं पंच ज्योति शक्ति सिद्धाश्रम धाम के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये कि हमारे परम पूज्य गुरुवर परमहंस योगीराज श्री शक्ति जी महाराज ने एक आध्यात्मिक संगठन भगवती मानव कल्याण संगठन का गठन किया है। हमारी संगठन के द्वारा समस्त जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को बिना किसी भेदभाव के नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त एवं चरित्रवान जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान की जा रही है। माता भगवती जगत जननी जगदम्बा के अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठों के माध्यम से, सामूहिक आरती के माध्यम से लोगों के घरों में जाकर के साधनात्मक क्रमों को करा करके उन्हें नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त एवं चरित्रवान जीवन प्रदान किया जा रहा है। आज देश स्तर पर लाखों की संख्या में परम पूज्य गुरुवर के सक्रिय कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं और करोड़ों करोड़ों लोग उस पावन पंच ज्योति शक्ति सिद्धाश्रम धाम में जाकर परम पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने घरों में शांति
एवं सुख समृद्धि प्राप्त कर रहे हैं। बांदा में तीन नाबालिग बच्चियों के साथ स्कूल के अध्यापक ने अश्लील हरकतें की है। बता दें आपको कि आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पीड़ित और पीड़ित के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है और जानकारी के अनुसार लगभग 4 महीने से आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आरोपी पूर्व माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक के पद पर तैनात है। बता दें आपको कि आरोपी पीड़ितों को जान से मारने की धमकी भी दिया करता है और वहीं आरोपी के डर के कारण बच्ची अब स्कूल नहीं जा पा रही है। तो आपको बता दें कि बांदा से खबर है जहां पर अत्याचारी टीचर का कहर सामने आया है। बता दें आपको कि आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पीड़ित और पीड़ित के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि टीचर जो है वो बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करता था। आपको बता दें कि आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर लगातार मांग हो रही है और वहीं बताया जा रहा है कि बच्ची स्कूल नहीं जा पा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि 4 महीने से आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और आरोपी जो है पूर्व माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक के पद पर तैनात है और आपको ये भी बता दें कि आरोपी पीड़ित को जान से मारने की धमकी भी दिया करता है। तो आरोपी के डर के कारण बच्ची अब स्कूल नहीं जा पा रही है। घिनौनी हरकत सामने आई है टीचर की, जहां पर बच्ची को टीचर से डर लगने लगा है और बताया जा रहा है बच्ची का साफ तौर पर कहना है कि उसके साथ अश्लील हरकतें की गई हैं, जिसके बाद अब डर के कारण बच्ची स्कूल नहीं जा पा रही है। आपको बता दें कि बांदा में तीन नाबालिग बच्चियों के साथ स्कूल के ही अध्यापक जो है उसने अश्लील हरकतें की हैं। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पीड़ित और पीड़ित के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है और बताया ये भी जा रहा है कि 4 महीने से आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है और आरोपी पूर्व माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक के पद पर तैनात है। और आपको ये भी बता दें कि आरोपी पीड़ितों को जान से मारने की धमकी भी दिया करता है। वही आरोपी के डर के कारण बच्ची स्कूल नहीं जा पा रही है। और इसी खबर पर बांदा से संवाददाता पंकज त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, जिस तरह से एक घिनौनी हरकत सामने आई है टीचर की, बच्ची स्कूल नहीं जा पा रही और 3 बच्चों के साथ अश्लील हरकतें की गई हैं। जी जी, मैं आपको बता दूं कि ये मामला बिटंडा थाना। जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है, पूरी अपडेट बताइए। जी, जी, मैं आपको बता दूं कि ये मामला पूरा बिसन्ना थाना अंतर्गत एक गांव का है, जहां पर पूर्व माध्यमिक विद्यालय का मामला है, जहां पर 3 बच्चियां एक साथ स्कूल गई। ये भी मामला आपका जून के महीने का मामला था, पर जून के महीने में बच्चियों के साथ बारी बारी दो टीचर जो है कमरे में बुलाकर काफी चेक कराने के चक्कर में वो अश्लील हरकतें करता रहा और जब वो बच्चियां अपने अपने घर गई और अपने माता पिता से अपनी आप बीती बताई तो जून के महीने में आरोपी के खिलाफ FIR तो दर्ज हो गई। ST/AC के तहत और छेड़खानी के तहत FIR तो दर्ज हुई, पर आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। गिरफ्तारी को लेकर पीड़ित और पीड़ित के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय आकर आरोपी को गिरफ्तारी के लिए ST से गुहार लगाई। जी पंकज, इसमें पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है कि 4 महीने बीत जाते हैं लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाती है। जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल। एक बात और बता दें कि पुलिस के ऊपर हमेशा सवालिया निशान उठते ही रहे हैं। अब 4 महीने बीत जाने के बाद भी आप देख लीजिए कि आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई और आरोपी बराबर पीड़ितों को धमकी दे रहा है कि मुकदमा वापस करो, अगर मुकदमा वापस नहीं करते हो तो तुम लोगों को जान से मार देंगे। तो ऐसे चक्कर में इस डर के कारण बच्चियां तीनों स्कूल जाने से भी डरती हैं और टकराती हैं। जी मैम। जी पंकज, जिस तरह से दबंगई टीचर का जो कारनामा है वो सामने आया है, तो ऐसे और बच्चियों को भी खतरा नजर आ रहा है साफ तौर पर स्कूल में। जी बिल्कुल बिल्कुल, जब ऐसे टीचर बच्चियों के साथ इस तरह की अश्लील हरकतें कर सकती हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि और बच्चियों को डर होगा। और आरोपी, सबसे बड़ी बात यह है कि आरोपी 4 महीने हो गए, 4 महीने मुकदमा पंजीकृत भी हो गया,
बकायदे 376 और SC ST के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया और मुकदमा पंजीकृत करने के बाद भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया, तो ऐसे में पुलिस के ऊपर तो सवालिया निशान उठते हैं बिल्कुल। पंकज, जैसे कि पुलिस अधिकारी कुछ भी कहने के लिए अभी सामने आ पाए हैं अभी तक? जी नहीं नहीं बिल्कुल नहीं आता है। अभी कल की घटना है, कल जो है पीड़ित और पीड़ित के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय जाकर आरोपी को गिरफ्तारी के लिए न्यायिक की गुहार लगाई। जी पंकज, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। गोरखपुर में जॉर्डन में 30 अक्टूबर से 13 नवंबर तक एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया जा रहा था और जिसमें 48 किलो भार में भारत को रजत पदक दिलाने वाले गोविंद शाहनी का आज गोरखपुर आगमन पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवीण निषाद ने रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया और बैंड बाजी के साथ खिलाड़ियों के समर्थक में भरपूर स्वागत किया गया। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ही 48 देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। गोरखपुर के गोविंद साहनी ने क्वार्टर फाइनल में ही जीत हासिल कर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई और सेमीफाइनल में वो असफल रहे। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश में पहुंचने वाले गोविंद साहनी पहले खिलाड़ी हैं। अलीगढ़ के कस्बा तहसील इगलास में किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि आपूर्ति निरीक्षक के द्वारा महिलाओं से अपर्धा और इसके साथ ही फर्जी मुकदमा लिखाने के मामले में कर रहे विरोध, प्रदर्शनकारी विरोध कर रहे हैं लगातार और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष के द्वारा समक्ष अधिकारियों को 30 मिनट का इसमें अल्टीमेट दिया गया है और फर्जी मुकदमे को निरस्त करने के लिए सक्षम अधिकारियों से भी अपनी मांग कर रहे हैं। भारी संख्या में भारतीय किसान यूनियन महिला और पुरुष मौजूद हैं और पूरा मामला जो है वो आपको बता दें कि तहसील कस्बा इगलास का बताया जा रहा है, जहां पर लगातार महिला और प्रदर्शन कर रही हैं। और इसी खबर पर अलीगढ़ से संवाददाता हमारे साथ आकाश जुड़ चुके हैं। आकाश, महिलाओं से जो बदतमीजी की जाती है उसके लेकर भी और किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। ये बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है तहसील क्षेत्र के मजूपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां पर जो है बीते दिनों एक जो है पूर्ति निरीक्षक के द्वारा एक किसान के घर में जाकर के जो है वहाँ पर महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई। देर रात किसान के घर में पहुंचकर महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई। बदतमीजी करने के साथ साथ ही उनके ऊपर जो है 307 का मुकदमा लिखा दिया गया है, जिसके विरोध में कल जो है तहसील परिसर में जो है किसानों के जो है आंदोलन जो वहाँ पर पूरे दिन चला है, जिसके बाद उन्हें जो है जांच के बाद की जाएगी। अगर कोई इसमें झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है तो उसको जो है निरस्त भी किया जाएगा। हालांकि वहां पर जो किसान भारतीय किसान यूनियन के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने ये जी आकाश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए। अमेठी में न्यूज वर्ल्ड इंडिया की खबर का असर देखने को मिला है। दरअसल खबर चलने के बाद SDM प्रीति ने अपना बयान जारी कर दिया है, तो बड़ी जानकारी आपको दे दें जहां पर न्यूज वर्ल्ड इंडिया की खबर का असर देखने को मिला है। SDM ने कहा है कि आरोपी छात्र थे इसलिए शारीरिक दंड दिया गया है। दरअसल अमेठी SDM ने तालिबानी सजा दी थी और जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद ये खबर न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद अब SDM का बयान सामने आ गया है। उन्होंने सफाई देते हुए कहा है कि तालिबानी छात्र, उन्होंने बताया है कि तालिबानी साजिश सजादी जो सजा दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि SDM ने अपना बयान दिया, SDM ने कहा है कि आरोपी छात्र थे इसलिए शारीरिक दंड दिया गया। दरअसल अमेठी SDM ने तालिबानी सजा दी है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। देवरिया जनपद के रुद्रपुर कोतवाली अंतर्गत राम लक्ष्मण चौराहे के समीप 10 अक्टूबर को ऑपरेशन के दौरान प्रसूता की मौत हो गई है। आपको बता दें कि जिसमें प्रशासन ने अस्पताल को सील करते हुए अस्पताल संचालक के खिलाफ कार्रवाई किया था।
लेकिन अभी तक अस्पताल संचालक की गिरफ्तारी न होने से नाराज परिजनों ने देवरिया में प्रदर्शन करते हुए डीएम को संबोधित ज्ञापन एसडीएम सौरभ सिंह को सौंपा है और प्रदर्शन विश्व हिंदू सेना के राष्ट्रीय सचिव दिग्विजय नाथ चौबे के नेतृत्व में किया गया है। आपको बता दें कि जहां पर देवरिया से खबर है और गुस्साए परिजनों ने प्रदर्शन किया। बलरामपुर में सैकड़ों ग्रामीणों ने डीएम से ही न्याय की गुहार लगाई है। भ्रष्ट सरकारी खाद्यान्न और विक्रेता पर कार्रवाई की मांग की गई है। सैकड़ों ग्रामीण सरकारी खाद्यान्न विक्रेता के खिलाफ लामबंद हुए हैं। सैकड़ों ग्रामीण ने राशन कम ना देने का आरोप लगाया है। सैकड़ों ग्रामीण 50 किलोमीटर दूरी तय कर इलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे और वहीं जिलाधिकारी ने प्रार्थना पत्र लेकर जाँच का आश्वासन दिया। और इसी खबर पर बलरामपुर से संवाददाता योगेंद्र विश्वनाथ सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, जिस तरह से मामला सामने आया है कि भ्रष्ट सरकारी खाद्यान्न विक्रेता पर कार्रवाई की मांग की जा रही है और लोग गुस्साए हुए नजर आ रहे हैं। जी, ये सभी लोग जो है इस आरोप को लेकर जिलाधिकारी के पास पहुंचे थे कि इनको जो है कम राशन दिया जा रहा है। दरअसल हरैया सदगरवा का ये गाँव है और यहाँ के रहने वाले लोग हैं, तो ये 50 से 60 किलोमीटर दूरी तय करके ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए जो है जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंचे थे और वहां पर इन्होंने पहुंचकर न केवल प्रदर्शन किया बल्कि जो है जिलाधिकारी से इस बात की गुहार भी लगाई कि ऐसे भ्रष्ट कोटेदार जो है जिनके द्वारा कम राशन दिया जाता है, फिंगर लगवा लिया जाता है, फिर भी राशन नहीं दिया जाता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी जी, जैसे बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा लोगों का साफ तौर पर कहना है, और ग्रामीणों से जब बातचीत की गई तो उनका और कुछ क्या कुछ कहना है इसको लेकर? ग्रामीणों का साफ कहना है कि जो कोटेदार वो लगातार दबंगई करता है और हम लोगों की बात नहीं सुनता है। हम लोगों को जब हम लोग उससे राशन के लिए कहते हैं कि पूरे यूनिट में एक यूनिट में जैसे 5 किलो होता है तो 5 किलो देने के लिए कहते हैं तो वो जो है नहीं देता है, कहता है कि हम नहीं देंगे, इसको जो करना है वो कर ले। अब वो लगातार जो है परेशान करता है, लगातार हम लोगों की बात नहीं सुनता है, तो इन्हीं सारी समस्याओं से अवगत कराने के लिए जिलाधिकारी को हम लोग यहाँ आए हुए हैं और हम लोगों ने यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय को जो है लेटर दिया है। अब वो आगे की कार्रवाई क्या करेंगे ये जाने वो। जी योगेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए। पुलिस अधीक्षक अभिनंदन के कुशल निर्देशन में ऑपरेशन क्लीन के तहत बांदा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कोतवाली नगर और एसओजी के संयुक्त पुलिस टीम द्वारा आपको बता दें कि अंतर्राज्यपदीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया गया है और अभियुक्तों द्वारा ट्रकों और अन्य भारी वाहनों को कई स्थानों से चोरी कर वाहनों को काट कर की बिक्री की जाती है और फिलहाल पुलिस द्वारा 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जबकि 5 अभियुक्त अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। तो आपको बता दें बांदा से खबर है जहां पर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। बताया जा रहा है कि अभियुक्तों द्वारा ट्रकों और अन्य भारी वाहनों को कई स्थानों से चोरी कर वाहनों को काट कर बिक्री की जाती थी जिस पर अब पुलिस ने शिकंजा कसते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें आपको कि पुलिस अधीक्षक अभिनंदन के कुशल निर्देशन में ऑपरेशन क्लीन के तहत बांदा पुलिस को ये सफलता हाथ लगी है। पुलिस क्लीन करके एक अभियान चला रही थी और कोतवाली नगर और एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया गया। अभियुक्तों द्वारा ट्रकों और अन्य भारी वाहनों पर कई स्थानों से चोरी कर उसको काटा करते थे और फिर बिक्री करते थे और फिलहाल पुलिस द्वारा 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जबकि इसमें 5 और लोग शामिल थे जो फरार बताए जा रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ पंकज त्रिपाठी बांदा से जुड़ चुके हैं। पंकज, जिस तरह से ये खबर सामने आई है कि चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है इसमें 5 लोग फरार भी बताए जा रहे हैं। जी, मैं आपको बता दूं ये मामला नगर कोतवाली अंतर्गत गंछा गांव का है जहां पर पुलिस अधीक्षक अभिनंदन के कुशल निर्देशन के चलते ऑपरेशन क्लीन के तहत बांदा पुलिस के बड़ी सफलता हाथ लगी। थाना कोतवाली नगर और एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा अंतर जनपदीय वाहन चोर किए
और इन गिरोहों का पर्दाफाश किया गया। जब अभियुक्त द्वारा ट्रक और अन्य भारी वाहनों को विभिन्न स्थानों से चोरी कर वाहनों को काट कर इनकी बिक्री की जाती थी, तो वहीं पर जब पुलिस अभिनंदन के कुशल निर्देशन में एसओजी और थाना कोतवाली नगर की टीम ने छापा मारा तो पुलिस ने 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और 5 अभियुक्त अभी भी फरार चल रहे हैं। जी पंकज, ये गिरोह जो है कब से चल रहा था जो पुलिस को अभी तक सूचना नहीं मिली थी और इसमें इतने लोग गिरफ्तार हुए हैं जो जबकि 5 फरार भी हो गए हैं? जी ये अभियुक्तों का गिरोह लगभग 6 महीने से सक्रिय था और सक्रिय होने के बाद जैसे ही पुलिस को खबर लगी तो नगर कोतवाली और एसओजी की संयुक्त टीम ने छापा मारा तो 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और उसके साथ अभियुक्तों के कब्जे से 1 खड़ी ट्रक, 1 अधिकटी ट्रक, 1 स्कॉर्पियो और 1 मोटरसाइकिल व बड़ी मात्रा में कटे हुए वाहन के पुर्जे भी बरामद किए और साथ में 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। 5 अभी भी फरार चल रहे हैं। जी पंकज, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए। गाजीपुर के बिसंडा थाना अंतर्गत एक गांव में युवक ने मां और बहन की हत्या कर दी है। बता दें आपको कि नवागत एसपी ओमीपुर सिंह ने मां बेटी की हत्या का खुलासा 24 घंटे में करके जनपद में हो रहे अपराध पर अंकुश लगाने की शुरुआत कर दी है। बताते चले कि एसपी ओमवीर ने गाजीपुर की कमान 24 घंटों में ही पहले संभाली थी और इसके बाद डबल मर्डर के सामना हो गया और मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के उठवुत गांव में सोमवार की सुबह मां बेटी की हत्या की खबर क्षेत्र में सनसनी मच गई और खबर मिलते ही मौके पर ही फॉरेंसिक टीम और आईजी जोन समेत जनपद के आला अधिकारी पहुंचे। मौके पर ही साक्षी और सबूतों ने मां के और बहन बेटा जो था उसने बहन के लिए जो कातिल साबित हुआ है और इसके साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गौरी शंकर को गिरफ्तार कर लिया है। कल सुबह थाना मोहम्मदाबाद पुलिस के पास ये सूचना आई थी कि थाना क्षेत्र में एक गांव में कठहत वहाँ पे 2 महिलाओं की डेड बॉडी एक घर में पड़ी है। इस सूचना पे तत्काल थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी, उस क्षेत्र के अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, मेरे द्वारा स्वयं आईजी महोदय भी इस घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए मौके पर पहुँचे थे। इसमें जो हमारे एसपी ग्रामीण हैं उनके नेतृत्व में, उनके सफल निर्देशन में इस पूरी घटना का अनावरण किया गया है। इसमें जो मृतिका है उसी के द्वारा यह अपराध कारित किया गया था। और इसी खबर पर गाजीपुर से संवाददाता मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, डबल मर्डर का मामला सामने आया है, भाई माँ बहन का कातिल बना है। जी आपको बता दें कि ये मामला जो है मोहम्मदाबाद, यहाँ पर जो है ये मतलब माँ और मेहताब जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या? जी। मेहताब, जिस तरह से डबल मर्डर का मामला सामने आया है, इलाके में सनसनी का माहौल है। जी हाँ, बता रहे हैं कि क्या है, हमारे जी मेहताब, नेटवर्क का इशू आ रहा है इसलिए हमारा संपर्क आपसे सही नहीं हो पा रहा है और आपकी आवाज भी क्लियर नहीं आ पा रही है। तो आपको बता दें कि गाजीपुर में डबल मर्डर में बेटा ही कातिल निकला है और बड़ी खबर सामने आई है जहां पर बेटे ने अपनी माँ और बहन की हत्या कर दी है और ये जो खुलासा है 24 घंटे के अंदर किया गया है। अपराध पर अंकुश लगाने की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि इसके बाद से ही डबल मर्डर से जो सामना हुआ था उससे अब पर्दा उठ चुका है और 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है कि आरोपी ने अपनी माँ और बहन की हत्या आखिर क्यों की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।